सब्सक्राइब करें आदित्य मोटोराइड चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ताज टीवीएस पर चल रही है दिसंबर एंड्स की बहुत सारी स्कीम्स यानी कि ऑफर्स। तो अगर आप इटारसी होशंगाबाद के पास में रहते हैं तो एक बार आप ताज टीवीएस पर विजिट करें और इन सारे ऑफर्स के लाभ पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो ये है हमारे पास TVS ब्रांड की बेस्ट सेलिंग कम्यूटर सेगमेंट बाइक TVS स्टार सिटी प्लस। यहीं बात करें इस बाइक की कॉम्पिटिटर बाइक की तो वह है हीरो की स्प्लेंडर और हीरो की HF डीलक्स। लेकिन कंपनी उसमें हर साल कोई भी चेंजेस नहीं करती है, इसलिए लोग उसको ज़्यादा बाय नहीं करते। उसका जो लुक है वो भी ओल्ड फैशनेबल हो चुका है। लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठा के TVS हर साल TVS की इस स्टार सिटी में कुछ ना कुछ नए चेंज करके इंडियन मार्केट में लॉन्च करके अपनी बाजी जीत लेता है। बात करते हैं कि कंपनी ने इसमें क्या क्या बदलाव किए हैं। तो कंपनी ने इसमें न्यू बॉडी स्किन दी है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, मतलब स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको जो टैंक में पहले आपको TVS का ब्रांड मिलता था वो स्टिकरिंग में मिलता था, लेकिन इस बार आपको वो 3D लोगो मिलेगा जो ओवरऑल बाइक को लुक बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है। रियर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको सेम LED टेल लाइट मिलती है ओल्ड मॉडल की तरह। तो भाई टेल लाइट में तो कोई भी चेंजेस नहीं किया है, लेकिन हाँ इसमें आपको नंबर प्लेट के ऊपर एक छोटा सा येलो कलर का बल्ब मिलता है जो आपके बाइक को ओवरऑल बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास कलर एडिशन है वो ग्रे कलर एडिशन है, जिसमें आपको रेड ब्लैक और व्हाइट कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं और टैंक पर ही आपको TVS का 3D लोगो मिलता है जो बाइक का लुक बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है। बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में तो इसमें आपको निकल एग्जॉस्ट मिलता है। तो भाई लोग निकल एग्जॉस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें आपका रस्ट नहीं लगेगा, मतलब इसमें जल्दी जंग नहीं लगेगी, सालों साल चलता रहेगा। बात करते हैं इसके फ्रंट लुक्स के बारे में तो फ्रंट में आपको कॉर्नर्स पर सेम ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बाइक की सबसे अच्छी खासियत यह है इसमें आपको बहुत ही स्मूथ शाइनी प्लेटिंग मिलती है पेंट की, जो आपकी बाइक को डे और नाइट में बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। और फ्रंट में आपको ब्लैक कलर की विंडशील्ड मिलती है एयर को पास करने के लिए, कंफर्टेबल राइड करने के लिए। बात करते हैं इसके हेडलैम्प के बारे में, इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है और इंडिकेटर्स आपको इसमें बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही स्टाइलिश है इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इसमें मिलता है, जो कि ना आपको हीरो के स्प्लेंडर में मिलता है ना ही हीरो के HF डीलक्स में मिलता है। इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर ये बताता है कि आप कितने स्पीड से बाइक को राइड कर रहे हैं और डिजिटल मीटर आपको ये बताता है कि आपकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है और आप इसको कितने किलोमीटर राइड कर चुके। बाकी सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाते हैं, न्यूट्रल लेफ्ट राइट इंडिकेशन पावर और इको का सारा ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। स्विचेस की क्वालिटी के बारे में बात की जाए, स्विचेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर स्विच हॉर्न स्विच सारे बेसिक स्विच आपको इसमें मिलते हैं जो हर बाइक में आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको चौक नीचे ही मिलता है हॉर्न के नीचे, जिससे आप डायरेक्टली वहाँ से वाकई आपकी बाइक का फ्यूल ग्लो है तो वहाँ चालू करके राइड कर सकते हैं। इंजन कोई स्विच आपको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 8.4 PS एट 7000 RPM का पावर और 8.7 न्यूटन मीटर एट 5000 RPM का इसमें आपको टॉर्क मिलता है। फ्रंट टायर्स के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको 17 इंचेस के स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो आपके बाइक को बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिससे ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू HF डीलक्स और स्प्लेंडर के आगे। रियर टायर्स के बारे में बात किया जाए तो रियर में भी आपको 17 इंचेस के स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद ट्यूबलेस टायर और दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। दोस्तों बात यहाँ ये आती है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, हीरो की स्प्लेंडर भी काफ़ी अच्छी है और TVS की स्टार सिटी प्लस भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों दिनों दिन पेट्रोल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अगर आपको एक परफॉर्मेंस बाइक चाहिए तो भाई दोनों बाइक काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा बेहतरीन लुक चाहिए तो TVS की स्टार सिटी प्लस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल सीट मिलती है, यानी कह सकते हैं अगर आप 3 लोग बैठकर भी इस बाइक को राइड कर रहे हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल आप राइड कर पाओगे। इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। कुछ छोटे चेंजेस के बारे में बात किया जाए तो कंपनी ने इसके मिरर्स के बैक पर एक सिल्वर कलर का प्लास्टिक फाइबर लगाया है बाइक की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू TVS स्टार सिटी प्लस तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और हाँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करें, जिससे अगर आप कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ आपको इसके जल्दी रिप्लाईमेंट्स मिल जाएंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।